थोड़ी टैल्कम पाउडर काइंड ऑफ है, बट जब आपको यूज़ करना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि फुल कवरेज नहीं बोलूँगी, आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा भी ग्लो दिख रहा है। हेलो देयर, 2024 का पहला वीडियो है तो हैप्पी न्यू ईयर बोलना तो बनता है। हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। आई होप दैट ये साल आपको बहुत 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 अच्छा जाए। लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फ्यू लैक्मे प्रोडक्ट्स जो नए लॉन्चेस थे, जो आपने शॉर्ट्स में देखे थे और मैंने कहा था कि मैं डिटेल में रिव्यू करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिखाती हूँ ये कंसीलर जो मैंने ट्राई किया। ये कंसीलर है लैक्मे एब्सोल्यूट क्रीम कंसीलर। मैंने शेड लिया है 24 बेज। अच्छा कवरेज है इसका, मीडियम टू लाइक बिल्डेबल कवरेज है, फुल कवरेज नहीं बोलूँगी। फॉर्मूला ऑब्वियसली क्रीमी है, पॉट स्टाइल में आपको मिलेगा, आप हाथ से लेके लगा सकते हो या फिर ब्रश। मैंने ब्रश के साथ यूज़ किया है, हाथ से मैंने ट्राई किया था, हाथ से भी ठीक लगता है, बट आई फील लाइक फर्स्ट यूज़ ब्रश एंड देन यूज़ हैंड, और थोड़ा सा सेट कर लो हाथ से। फिर ये काफ़ी लाइट वेट कंसीलर है, फील नहीं होता है, अच्छे से पाउडर मैट फिनिश में सेट होता है, फिर आप इसको फिर से पाउडर से सेट कर लेना। अगर आप बहुत लाइट शेड लोगे और ट्राई करोगे कवर करना एक्ने स्पॉट और समथिंग, देन नहीं कवर होगा। अगर आपको कंसीलर में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी कंसीलर की प्लेलिस्ट देख लेना, बहुत सारे रिव्यूज़ है। तो क्रीम कंसीलर्स अगर आपको पसंद है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। 5 शेड्स में अवेलेबल है, बट फॉर मी इट इज़ ओके जस्ट टू कवर अप माई एक्ने मार्क्स, नॉट फॉर माई डार्क सर्कल, सो आई माइट नॉट रीपर्चेज दिस। कंसीलर के बाद देखते हैं ये स्किन टिंट। नाउ अगर आपको मेरे फेस पे थोड़ा सा भी ग्लो दिख रहा है, यू नो, चमक दिख रही है, तो ये इसी का कमाल है। ये स्किन टिंट फाउंडेशन है। पर्सनली मुझे कैसा लगा वो मैं बाद में बताऊंगी, बट लेट्स सी कि ये क्या क्या इसके बेनिफिट्स है और कैसे यूज़ करना है। ये लैक्मे का जो एब्सोल्यूट रेंज का स्किन टिंट फाउंडेशन है, ये कुछ अच्छे खासे बॉक्स पैकेजिंग में आता है और ये ग्लास बॉटल है अंदर, और इसमें आपको 2 फुट एप्लीकेटर मिलेगा। इसमें 6 शेड्स अवेलेबल हैं। मैंने जो शेड लिया है वो है वॉर्म बीच। ये काफ़ी लाइट वेट है, ब्लेंडेबल फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छे से मेल्ट डाउन हो जाता है आपके स्किन में। डजेंट मेक यू लाइक लुक वेरी मच ग्लॉसी एंड देन यू कैन जस्ट सेट इट विद पाउडर। आज मैंने उसी तरह से यूज़ किया है, या फिर आप जस्ट हाई पॉइंट्स पे भी यूज़ कर सकते हो एज अ हाईलाइटर, और यू कैन यूज़ अंडरनीथ द फाउंडेशन। तो पहले ये लगाओ, फिर फाउंडेशन लगाओ, एंड देन यू कैन सेट योर फेस, सो दैट विल ऑल्सो लुक गुड। सो बेसिकली इट्स अ स्किन टिंट विथ अ ग्लोई फिनिश। तो अगर आपको उस तरह से पसंद है तो आप ले सकते हो। इसमें एक लाइक फ्रेग्रेंस है जो थोड़ी टैल्कम पाउडर काइंड ऑफ है, जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। जस्ट दिस विल नॉट कवर एवरीथिंग, ओके, यू विल स्टिल सी द इम्परफेक्शंस, एक्ने मार्क्स, पोर्स एंड एवरीथिंग, एंड डार्क सर्कल्स ऑल्सो। यू हैव टू यूज़ कंसीलर टू कवर ऑल दोज थिंग्स। सो ओवरऑल मुझे ये ठीक लगा, एक बार ट्राई किया है, बट फिर से ट्राई शायद नहीं करूँगी, लाइक रीस्टॉक नहीं करूँगी। गिव्स नाइस इफेक्ट बट नॉट समथिंग विच आई विल रीपर्चेस। सो जैसे मैंने कहा, स्किन टिंट लगाने के बाद मैंने डायरेक्टली सेट कर लिया था फेस, कोई फाउंडेशन नहीं लगाया था। मैंने यूज़ की लूज पाउडर, ये लैक्मे की, ये भी नई लॉन्च है और इसका पैकेजिंग थोड़ा सा अलग है। मैंने शॉर्ट्स में बोला भी था आपको, यहाँ पे एक पफ आ जाता है, वो यहाँ है नहीं, कहीं मिसप्लेस हो गया है। वैसे भी वो मैं नहीं यूज़ करती, मैं ट्रायंगल पफ यूज़ करती हूँ जिसके शॉर्ट्स आपको दिखाए हैं मैंने ऑलरेडी। ये ना कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा है, ये मैसी नहीं होता है, बट जब आपको यूज़ करना होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये आप ऐसे बंद करके थोड़ा सा बाहर लाने की कोशिश करोगे तो नहीं आता है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो आपको ब्रश यूज़ करना है तो ब्रश के ब्रिसल्स तो अंदर थोड़े थोड़े जाते हैं, बट ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आता है। तो या तो आप इसको इस पे ले लो ढक्कन पे, और यू कैन जस्ट पुट योर पफ हियर, जैसे मैंने आपको दिखाया है शायद डेमो में, एंड देन डू लाइक दिस, तो पफ पे आ जाता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पैकेजिंग की काफ़ी बात कर ली, अब पाउडर के बारे में बात करते हैं। मैंने लिया है शेड बेज, इसमें 3 ही शेड्स है। बेज जो है वो मीडियम वाला शेड है, एक लाइट है, एक मीडियम है, एक डीप है, लाइक डार्क है। ये शेड देखते वक्त मुझे लगा कि काफ़ी डार्क है पैन में जब लिया था, लेकिन फेस पे लगाने के बाद सूट हो गया, लाइक ऐसा नहीं हुआ कि बहुत डार्क लग रहा है,
एज़ यू कैन सी इट सूट्स मी। तो अगर आपकी स्किन मीडियम है स्किन टोन की तो आपको ये सूट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो है काफ़ी फाइन है, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने लगोगे तो थोड़ा सा मुझे ड्राई फील हुआ, तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा लगाती हूँ तो लगता है बहुत ड्राई कर रही है ये मेरे फेस को। सो थोड़ी सी ही यूज़ करना, और जब आप इसको लगाते हो उसके बाद ये एकदम मेल्ट हो जाती है थोड़ी देर में ही, तो एक आधे घंटे में ही मुझे लगता है कि पाउडर कहाँ चली गई, बिकॉज आई कैन सी इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड वेरी क्विकली। सो दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। थोड़ी शेड्स और चाहिए, जस्ट 3 शेड्स में थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा चूज़ करना। आई माइट नॉट रीपर्चेस अगेन, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ठीक लगा बट नॉट समथिंग विच आई विल स्टिक टू। सो नए लॉन्चेस में अब बचे हैं 2 प्रोडक्ट्स, एक है ये आई पेंट एंड एक है ये आई लाइनर। तो ये जो आई पेंट है इसमें आपको 7 अलग अलग शेड्स मिलते हैं। मेरा जो शेड है वो है ड्रीमी रोज़। इसको मैंने इसके साथ लाइक आई लाइनर के साथ यूज़ करके एक शॉर्ट्स आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। तो जैसे मैंने शॉर्ट्स में दिखाया वैसे आप जस्ट ब्रश के साथ इसको लगा लो एंड देन यू आर गुड टू गो। और यू कैन सेट इट विथ यू नो मैट पाउडर आई शेडो इफ़ यू वॉन्ट, और यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ आई लाइनर। मैं इसको एज अ आई लाइनर यूज़ करके एक शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करूँगी जल्दी ही। इसका फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा, अच्छे से सेट होता है, ज़्यादा फाइन लाइंस में यू नो सेटल नहीं होता है, एक अच्छा सा शिमर फिनिश भी देता है, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। सो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा। देन दिस इज़ द लास्ट आई लाइनर विच इज़ अ शाइन आई लाइनर। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मिंत्रा से लिए थे, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा मिला वहाँ पे। सो इस शेड का पिगमेंटेशन एंड फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा। इट्स नॉट लाइक कि लाइट लगेगा फिर डार्क लगेगा, इट्स लाइक इन यूनिफॉर्म वे यू कैन अप्लाई इट प्रॉपरली और एक अच्छी शाइन दे देता है, एंड इट्स सेटल्स इन फ्यू मिनट्स, तो ये स्मज नहीं होता है उसके बाद। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर्स दिख रहे थे, वाइट भी था जो मैंने सोचा मैं ट्राई करूँगी, बट मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए मैंने ब्लू उठा लिया था। तो या दैट्स द लास्ट प्रोडक्ट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई वन शेड फ्रॉम दिस रेंज, आई फील इट्स गुड। सो या दैट्स माई टेक ऑन दीज प्रोडक्ट्स, आई होप इट इज़ हेल्पफुल। इफ़ येस प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स अबाउट दिस वीडियो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।